मेरे चैनल पे जाइए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाय दोस्तों, फरीन्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चिकन तंदूरी, रेस्टोरेंट स्टाइल में लेकिन घर पर बिना तंदूर के गैस पर। चलिए आइए देखते हैं तंदूर के लिए जो हमें सामग्री लगने वाली है। हमें चाहिए चिकन जो हमने तंदूरी पीस में कट करके लिया है, ऐसे कट मार के इसको अच्छे से साफ करके धो के लिया है मैंने। तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट, दही पूरा पानी निकाल के लिया है, जैसे टंगा हुआ दही, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, हल्दी, नमक, ब्लैक पेपर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, फूड कलर रेड वाला ऑप्शनल है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कसूरी मेथी भून के लिए और एक नींबू। हमें दो बार चिकन को मसाला लगा के रखना है, तो हम सबसे पहले आधे घंटा जो मसाला लगा के रखना है वो लगा लेंगे। चिकन में नींबू डालेंगे, नमक, और अदरक लहसुन का पेस्ट। हमें अच्छे से इसको लगाना है सारे कट्स में, आगे पीछे अच्छे से हमें अदरक लहसुन का पेस्ट सारा लगा लेना है और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अच्छे से मसाला लगा के ले लेंगे। हो गया हमारा मसाला लगा के, अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तब तक के हम तंदूरी का मसाला बना लेंगे। दही लेंगे जिसको हमने रुमाल में बांध के टंगा के रखा था, ताकि उसका पूरा पानी अच्छे से निकल जाए। हमें बिना पानी वाला दही चाहिए। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, नमक, नमक अपने हिसाब से डालिए, पहले भी हमने मसाले में लगाया है, ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और रेगुलर वाली लाल मिर्च पाउडर, फूड कलर, कसूरी मेथी, इस तरह से क्रश करके डालेंगे, नींबू डालेंगे और अच्छे से मसाला मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा एक दो बूंद पानी डाल के फिर से अच्छे से मसाला मिक्स करके लेंगे। तेल डालेंगे थोड़ा सा, फिर से मिक्स करके ले लेंगे। हो गया हमारा मसाला अच्छे से मिक्स। आधा घंटा भी हो गया हमने चिकन को फर्स्ट वाला मसाला लगाकर फ्रिज से निकाल लिया है। अब तंदूरी को एक एक करके हम अच्छे से मसाला लगा कर लेंगे। सारे कट्स में भी मसाला हमारा जाना चाहिए। आगे से लगाएंगे, पीछे से भी लगा लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से सारा मसाला लगा कर ले लीजिए, कट्स में भी मसाला और फ्लेवर जाना चाहिए। दूसरा पीस लिया है मैंने, उसको भी इस तरह से ही लगा रही हूँ मैं। आप मार्केट में जाओगे तो तंदूरी पीस चाहिए बोलोगे तो आपको आराम से मिल जाएंगे। इस तरह से सारा अच्छे से मसाला लगा कर लो। तीसरा वाला पीस लिया है मैंने, इसको भी अच्छे से सारे कट्स में, साइड में और नीचे ऊपर पूरा मसाला लगा कर ले लेंगे।
अच्छे से हो गया हमारा मसाला लगाकर। अब इसको हमें कम से कम 2 घंटा या पूरी रात भी इसको मसाला लगाकर फ्रिज में रख सकते हो। मैंने 8 घंटे इसको पूरा मसाला लगा के रखा था। हो गए हमारे 8 घंटे, मैंने फ्रिज से चिकन निकल लिया है। अगर आपको तंदूरी टेस्टी चाहिए तो ज़्यादा देर फ्रिज में रखिए मसाला लगा के, बहुत ज़्यादा टेस्टी और जूसी बनेगी। पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसमें तेल डाल देंगे और 1 चिकन का पीस इसमें इस तरह से डाल देंगे। ना हाई फ्लेम पे रखना है ना लो, मीडियम पे रख के हमें तंदूरी को फ्राई करना है। अब इसको हम पलटी कर लेंगे। एक तरफ से और फ्राई होने देंगे। इस तरह से अल्टी पलटी करके हम एक पीस को कम से कम 15 मिनट इस तरह से ही फ्राई करेंगे। इसी तरह से हमने सारे चिकन फ्राई कर लिए हैं। अब तंदूरी फ्लेवर लाने के लिए हम इसको स्मोक देंगे। एक बर्तन में सारे पीसेस रख लेंगे, कटोरी रखेंगे, कोल जला के कटोरी में रख देंगे, तेल डालेंगे और उसको ढक देंगे ताकि इसको अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आए और बाहर की तंदूरी जैसे हमें टेस्ट आए। हो गया हमारा स्मोक देकर। अब हम तंदूरी के साथ खाने वाली हरी चटनी बनाएंगे। मिक्सर का बर्तन लेंगे, हरा धनिया डालेंगे, पुदीना डालेंगे, लहसुन, हरी मिर्ची, नींबू का रस डालेंगे, नमक डालेंगे, चाट मसाला थोड़ा सा और पानी डाल के एक पतला पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे। दही मैंने फेंट के रखा है, उसमें ये सारा पेस्ट हम डाल देंगे। हो गई हमारी तंदूरी के साथ खाने वाली हरी चटनी रेडी। अब हम तंदूरी वाला सलाद बनाएंगे। उसके लिए पत्ता गोभी मैंने इस तरह से कट करके लिया है, प्याज गोल शेप में कट करके लिए, आप शिमला मिर्ची गाजर वगैरह भी डाल सकते हो, नमक डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नींबू। अच्छे से मिक्स करेंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। हो गया हमारा तंदूरी के साथ खाने वाला सलाद रेडी। अब हम सर्व करेंगे। हरी चटनी, सलाद और नींबू के साथ हम इसको खाएंगे। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी करिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।